ठंडी के मौसम में एकदम गर्मा गर्म वेज क्रिस्पी आसानी से घर पर बना सकते हैं। देखिए अब इसकी आवाज़ सुनिए, ये इतने क्रिस्पी बनते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बनाते हैं क्रिस्पी वेज स्टार्टर। वीडियो बहुत सिंपल है और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। जो भी हमारे घर में सब्जियां पड़ी होती हैं उसे आप ले लीजिए। मैंने पत्ता गोभी ली है, कॉलीफ्लावर लिया है, एक पोटैटो लिया है, गाजर लिया है और दो शिमला मिर्ची। इसमें से सिर्फ मैं आधा पत्ता को भी यूज़ करूँगी और आपको जैसे काटना है इसे, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, वैसे काट लो। अब हम आलू को भी काट लेते हैं। इस तरह से मीडियम साइज में आपको काट लेना है और गाजर को भी काट लेते हैं। गाजर, आलू और फ्लावर को बॉईल करेंगे और पत्ता को भी और कैप्सिकम को रॉ ही रखेंगे, मतलब कि कच्चा ही रखेंगे। अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। 5 मिनट तक हम इसे बॉईल कर लेंगे, ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारे वेजिटेबल्स बॉईल हो चुके हैं। अब हम शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी दोनों को भी डाल देंगे और हमारे बॉईल किए हुए वेजिटेबल्स। अब हम हमारे वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। थोड़ा बहुत पानी जाएगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें थोड़ा सा पानी इसमें चाहिए। अब हम इसमें डालते हैं मिर्ची पाउडर, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक, और 2-3 चम्मच हम मैदा डालेंगे। कॉर्नफ्लावर 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पूरे कॉर्नफ्लावर की कोटिंग हमारे वेजिटेबल में आ जानी चाहिए। आप हाथ से भी कर सकते हैं इसे अच्छे से, मैं हाथ से ही करूँगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट हम इसे ढककर रख देंगे। आप थोड़ा चपटा चपटा करके इसे डाल दो। बिल्कुल कैसे भी डाल सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे इसे फ्राई करना है, ये बहुत ही मस्त होता हो जाता है, एकदम क्रिस्पी। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा ये हो गया है। अब हम बनाते हैं इसका सॉस। सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, लहसुन एकदम फाइनली चॉप आपको करना है लहसुन को, और अदरक, अदरक को भी अच्छे से फाइनली चॉप आपको करना है। अब हम इसमें डालते हैं शेजवान सॉस। टोमेटो सॉस और आधा चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे।
थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, बिल्कुल 1/4 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा कलर इसका आया है और हमारा स्टार्टर तैयार। चलो हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अभी थोड़े से हमारे तिल, बहुत ही मस्त क्रिस्पी स्टार्टर बना है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।